गाइस, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजी एंड क्विक अफोर्डेबल एंड बियरेबल दिवाली मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली आई एम यूजिंग इनसाइड पोर मिनिमाइजर प्राइमर। ये प्राइमर मैट फिनिश देता है, ऑल्सो लाइट वेट है, पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। प्राइमर को यूज़ करने के लिए प्राइमर को हमेशा स्किन में डैब करना है, रब नहीं करना है। अगर आप रब करोगे तो आपका प्राइमर इतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आपका प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड है। पर अगर आपका प्राइमर क्रीम बेस्ड है तो आप इसे क्रीम की तरह अप्लाई कर सकते हो। देन आई एम यूजिंग मेवेलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस लिक्विड फाउंडेशन। मेरा शेड इसमें है 128 वार्म न्यूड and I am mixing it with NYWA Strove Cream Gold Sphere। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा फाउंडेशन को वार्म कर लूँगी। फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए मैंने पूना स्टोर का फ्लैट पफिंग ब्रश लिया है। आप चाहो तो फाउंडेशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आइवरी शेड मुझे मेरे स्किन पे लाइट लग रहा था, बट दिस मेबेलिन 128 वार्म न्यूड शेड परफेक्टली मैच कर रहा है मेरे स्किन से। फाइनली मुझे मेरा शेड मिल गया। तो आप देख सकते हो स्ट्रोक क्रीम को फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगाने से स्किन में अलग ही शाइन आ जाती है, ऑल्सो फेस्टिव ग्लो आपकी स्किन को मिल जाता है और स्किन रेडिएंट लगने लगती है। फॉर कंसीलिंग माय फेस आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। आई एम इन द शेड लाइट मोयन। कंसीलर को मैं अपनी आई एरिया के अराउंड लगा लूँगी, चिन में लगा लूँगी, फोरहेड पर लगा लूँगी और जैसे मैंने अपना फेस किया ना, आप इस तरीके से फेस करके अपना जो ईयर है उसके नीचे से, जहां आप कंटूरिंग करते हो उसके जस्ट नीचे आप कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो। और अब मैं अपना नोज़ में भी कंसीलर अप्लाई कर लूँगी, लिप्स के क्यूपिड एरिया पे भी कंसीलर अप्लाई कर दूँगी। ओके, इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने पूना स्टोर का फ्लैट टॉप क्रीज ब्रश यूज़ किया है। बेसिकली ये आई ब्रश है पर मैं इसको कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को हमें बहुत ही लाइट ब्लेंड करना है, पूरी हर फेस पे फैलाना नहीं है। अगर आप पूरे फेस पे फैला दोगे तो जो फाउंडेशन आपने लगाया हुआ है उसको भी आप डिस्टर्ब कर दोगे, तो वो कंसीलर और फाउंडेशन मिक्स हो जाएगा आपके पूरे फेस पे। तो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे आपने कंसीलिंग की है बस उसी जगह पे आपको ब्लेंड करना है, पूरे फेस पे आपको कंसीलर को फैलाना नहीं। जब आप आई एरिया के अराउंड कंसीलर को ब्लेंड कर रहे हो तो आप ऊपर हेयर लाइन तक उसको ले जा सकते हो। ओके, तो अब मेरे फेस पे हार्श लाइन दिख रही है, तो इस हार्श लाइन को ठीक करने के लिए मैं अगेन मेरा जो फाउंडेशन ब्रश है, जो मेरा फ्लैट पफिंग ब्रश है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो मैं पूरे फेस पे इसे यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट जहाँ कंसीलर और फाउंडेशन की एक हार्श लाइन दिख रही है बस वहीं वहीं पे इसे ब्लेंड करूँगी। Now I am using Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless Powder. This is compact powder और मेरा शेड है इसमें 115 Ivory। तो मैं इस compact powder के साथ जो pad आता है ना powder, compact powder लगाने के लिए, उसी को use करके under eye area और mouth area और nose area में लगा दूंगी।
और जो बाकी का फेस है उसमें सेम जो पफिंग ब्रश है, जो मेरा फाउंडेशन जिससे मैंने अप्लाई किया है, उससे मैं पूरे फेस पे बफ आउट कर दूंगी सिंपली। बहुत ही पूरे फेस में मैं बहुत कम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूंगी, पर जो मेरा टी जोन है बेसिकली और जो अंडर आई एरिया है उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस एन बाय वे फेस पैलेट, ये 3-in-1 फेस पैलेट है, इसमें ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर है। तो नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्टोरिंग, और मैं कॉन्टोरिंग करने के लिए इस तरीके का टेपर्ड फेस ब्रश यूज़ कर रही हूँ पूना स्टोर का। कॉन्टोर वाले जो सेक्शन है इस फेस पैलेट का, उसमें मैंने इस ब्रश को डिप किया है। और अब मैं अपने फोर हेड पे जैसे सन टैन होता है ना, तो वैसा कुछ लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपने फोर हेड पे इस कलर को, जो कॉन्टोर का कलर है, इसे अप्लाई कर रही हूँ, और जो चिक बोन है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे इसे अप्लाई कर रही हूँ। टेपर्ड फेस ब्रश का बहुत ही सही यूज़ हो रहा है एक्चुअली। ये ब्रश मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये अप्लाई करने के लिए काफ़ी अच्छा है, पर ब्लेंड आप इससे नहीं कर सकते हो, बस आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जॉ लाइन में भी मैंने कंटूर अप्लाई कर लिया है थोड़ा सा। ऑल्सो अब अपना नोज़ भी मैंने कंटूर कर लिया है। नोज़ कंटूरिंग करते टाइम ना आप ये ध्यान रखो, जो आपकी आईब्रोज है आप वहाँ तक कॉन्टोर को लेके जाओगे ना, तो एक शेप सी बिल्डअप हो जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका आईब्रो से नोज़ की तरफ को आ रहा है एक ही शेप है। तो आप इस तरीके से इसे आगे तक कॉन्टोरिंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से ना, नोज़ की एक शेप बन के आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। ओके, तो बाकी के फेस का जो कॉन्टोर है उसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पूना स्टोर का एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश। जो एंगल्ड ब्रश होते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छा शार्प फीचर्ड आपके फेस में निखर आते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है, मतलब एंगल्ड में ब्लेंड होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो इस ब्रश से कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है, और जो कलर निकल के आया है ये भी कितना अच्छा है। जो कॉन्टोर का कलर है ब्राउन कलर, ये भी बहुत अच्छा है, जो NYWAY फेस पैलेट में मुझे मिला है। नाउ आई एम टेकिंग फ्लैट एंगल फाउंडेशन ब्रश। यस, जी हाँ, ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन ब्रश जो कि फ्लैट एंगल्ड है। और सेम फेस पैलेट में जो ब्लश है, पिंक कलर का ब्लश है, बहुत ही खूबसूरत पिंक है, उसमें मैं इस ब्रश को करके अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी। ब्लश ना आपको एक ऐसे नहीं लगा लेना है कि एकदम से आप लगा दो, बस डैप 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 करके अगर लगाओगे ना तो बहुत ही खूबसूरत ब्लश लगता है। अगर आप बहुत ही से रब करोगे तो अच्छा ब्लश नहीं लगेगा, जस्ट डैप 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 करो और बहुत ही खूबसूरत ब्लश आपके चिक्स पे लग जाएगा। इस पैलेट का जो ये ब्लश है ना, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर का ब्लश है। और अब मैंने सेम एन बाय वे फेस पैलेट से हाइलाइटर अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो अब जब इतनी मेहनत की है बेस मेकअप करने में, तो उसे सेट करना भी ज़रूरी है। तो सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एन बाय वे ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे। ये सेटिंग स्प्रे इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, ड्यूई फिनिश देता है, और इसमें हाइलोरेनिक एसिड भी है। सेटिंग स्प्रे को अच्छे से अपने फेस पे फैन डाउन कर लें, सूखने दें, एब्जॉर्ब होने दें। ओके, तो मैं अपनी ब्रोज को शेप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी शेप माई ब्रोज का। इसमें 3 ब्रोज पाउडर + 1 वैक्स क्रीम है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक स्पूली लूँगी। इस पैलेट में जो 1 वैक्स क्रीम दिया हुआ है इन्होंने, इसमें स्पूली को डिप करके अपने ब्रोज को कॉम कर लूँगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस एंगुलर ब्रश जो कि इस किट में ही मुझे मिला था। ओके, सिंपली अब मैंने इस
पैलेट में से जो ब्राउन कलर है ये लिया है और अपनी आईब्रोज को शेप कर लिया है। आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैंने कंसीलर अप्लाई किया है आईब्रोज के आउटलाइन के जस्ट नीचे, और उसको मैंने नीचे की तरफ लिड की तरफ में ब्रश के हेल्प से ब्लेंड किया है और कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने उसे सील भी कर लिया है। आई शेडो में मैंने स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट का यूज़ किया है। एंड आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैंने इस तरीके का पूना स्टोर का एंगल्ड क्रीज ब्रश को यूज़ किया है। इस पैलेट के ब्रिक शेड को यूज़ किया है मैंने अपने क्रीज पे अप्लाई करने के लिए, और बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने पूरे क्रीज पे। नाउ आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ एप्लीकेटर ब्रश, और मैंने इस पैलेट में से जो राउंड शेड था उसे अपने आई के जो कॉर्नर होता है उस पे अप्लाई कर लिया है। और इसे जस्ट अप्लाई करने के बाद मैंने ब्रश के हेल्प से अगेन इसे ब्लेंड कर लिया है क्रीज पे। नाउ आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी प्रोफेशनल आई शेडो का 02 शाइनी गोल्डन शेड। ये वाला शेड बहुत ही अच्छा है फेस्टिव सीजन के लिए तो स्पेशली, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर है। तो सेम एप्लीकेटर में मैं इस शेड को लूँगी और अपने आई लिड पे प्लेस कर दूँगी। नाउ आई एम टेकिंग आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, और आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं पूरे आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। एक फ्लैट ब्रश लिया है और अपने जो लोअर लैश लाइन होती है उस पे भी सेम आई शेडो से ब्रिक शेड है उससे, और जो गोल्डन शेड है उससे आउटलाइन कर दिया है अपने लोअर लैश लाइन में भी। सेम चीज मैंने सेकेंड आई में भी फटाफट से आई शेडो लगा दिया है। अब मैंने अपने NY वे फेस पैलेट से हाइलाइटर लिया है और आईज पे जो आईब्रो के नीचे जो एरिया है उस ब्रो एरिया है उस पे हाइलाइटिंग कर दी है। ऑल्सो जो इनर कॉर्नर है आईज का उसमें भी मैंने हाइलाइटिंग कर दी है। वैसे तो ये आई शेडो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, पर इन केस अगर आपको ये आई शेडो को एनहांस करना है, थोड़ा डार्क करना है, तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पे NY WE की द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल काजल है ये, इसको यूज़ किया है। मैंने जस्ट इसे अपने अपर लैश लाइन में अप्लाई किया है और इसे मैं ब्लेंड कर दूंगी ब्रश के हेल्प से ताकि थोड़ा सा स्मोकीनेस आ जाए, थोड़ा डार्क लगने लगे कलर। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको डार्क आईज चाहिए, थोड़ा सा स्मोकीनेस चाहिए अपने आई शेडो में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब मैंने आई लाइनर लगा लिया अपने आईज पे। NY WE की कोल काजल पेंसिल है उससे मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा काजल लगा लिया है और मैं इसे ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। नाउ आई एम यूजिंग ब्लू हेवन लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा। देखो ये वाला स्टेप भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे NY WE की ही फेक आई लैशेज लगा रही हूँ, तो अगर आपको आई लैशेज लगाना पसंद है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे भी आई लुक अच्छा ही लग रहा है। बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अगर आपको आई लैशेज लगाना पसंद है तो आप आई लैशेज लगा सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, नाउ आई एम यूजिंग पर्पल मिनीज की पिंक कलर की लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड 17 है।
और इस लिपस्टिक को, सिंपल सी लिपस्टिक को फेस्टिव लुक देने के लिए मैं यूज़ करूँगी स्ट्रोब क्रीम। जी हाँ, जो मेरी स्ट्रोब क्रीम थी एन बाय वे की, उसको मैं जस्ट लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी और ब्रश के हेल्प से अपने पूरे लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर दूँगी, जिससे क्या होगा कि ये पूरा मेटेलिक लुक देने लग जाएगी लिपस्टिक। नाउ मैं अपने ज्वेलरी पहन लेती हूँ एंड विद दिस आई फिनिश माई दिवाली मेकअप लुक। जो कि बजट फ्रेंडली भी है, उनके साथ मैंने ये लुक क्रिएट किया है। आई होप गाइस कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं मुझे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल।